क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सरसाइज वन पॉइंट वन उसके थर्ड पार्ट की तरफ हम आते हैं यहाँ पर गर्ल्स हमारे पास देखिए इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी फोर एक्स प्लस थ्री है क्वालिटी की क्वेशन इलेवन को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी फोर ओवर एलेवन एक्स आ जाएगा और इधर थ्री ओवर एलेवन को हमने मूव कर दिया तो ये उधर जाके नेगेटिव हो गया अब उसी तरह हमने मल्टीप्लाई कोफिशेंट ऑफ एक्स को वन बाई टू से करना है लेकिन यहाँ पर देखिए पहले दो क्वेश्चन पॉजिटिव थे यहाँ पे ये यह नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव ही लेना है ठीक है तो ये आ जाएगा माइनस सेवनटीन ओवर इलेवन नाउ एडिंग माइनस सेवनटीन ओवर 11 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन इट विल बी माइनस सेवनटीन ओवर इलेवन होल स्क्वायर इट मीन्स ए टू एटी नाइन स्क्वायर वन ट्वेंटी वन लिया इलेवन इलेवन जार वन ट्वेंटी वन होता है याद रखिएगा गर्ल्स यहाँ पर अगर आपको भूल जाए तो फिर ये यूं कर लें देखिए ये भी है ये भी है ये वैल्यू नहीं है तो वो ऊपर वाले मल्टीपल से मल्टीप्लाई हो जाएगी आप कैलकुलेटर पे भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं जहाँ मैंने आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना बताई तो हुई है ऑलरेडी तो यहाँ देखिए गर्ल्स इलेवन थ्री जार थर्टी थ्री है टू एटी नाइन में से थर्टी थ्री गए तो टू फिफ्टी सिक्स बच गया अब हम स्क्वायर रूट लेंगे 256 फिफ्टी सिक्स ओवर वन का प्लस माइनस लगाया 256 का स्केयर रूट 16 121 का 11 एक बार को प्लस 16 ओवर 11 लेंगे एक बार माइनस 16 ओवर 11 लेंगे तो ये 17 ओवर 11 इधर जाके प्लस हो गया तो 16 चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो सकते हैं 17 प्लस सिक्सटीन इज थर्टी इट मीनस थर्टी थ्री डिवाइडेड बाई इलेवन इज थ्री सेम है यहाँ ये जाके जाकेट हो गया सेवनटीन में से सिक्सटीन गए वन तो हमारे पास नंबर इलेवन है तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया थ्री एंड वन बाई इलेवन फोर्थ पार्ट एल एक्स स्क्वे प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू जीरो एल के साथ इसको डिवाइड कर देंगे एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन भी है क्वाड्रेटिक फार्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो ए रिप्लेस बाय एल एम रिप्लेस बाय बी एन रिप्लेस बाय सी तो जब मैं आपको वन पॉइंट टू शुरू करवाऊंगी तो यही मेथड ये सेम टू सेम क्वेश्चन मुझे दोबारा करवाना होगा तो अगर आप इसी को ध्यान से देख लें बस ए बी सी से रिप्लेस कर दें तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है सो लुक हियर गर्ल्स हमने एल पे डिवाइड किया कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड पर ले गए और ये बन गई इक्वेन नंबर वन अब हमने एक्स के कोफिशंट को वन बाय टू से मल्टीप्लाई करना है एंड इट्स पॉजिटिव सो इट विल बी एम ओवर टू एल क्योंकि डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा अब देखें हमने m ओवर टू एल होल स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है इक्वेशन वन के तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऐड किया अब हमने क्या करना है इधर देखना है इसको ये सॉल्वेबल है या नहीं ये वाला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर ठीक है निगलैक्टिंग दिस वन ये है ए स्क्वायर ये है टू ए बी ये है बी स्क्वायर तो ए प्लस बी होल स्क्वायर अभी साइड पे आ जाए तो ये है एम स्क्वायर टू एल स्क्वायर का मतलब है टू का स्क्वायर फोर एल का स्क्वायर एल स्क्वायर अब एलसीएम लिया आपको पता है कि एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है इसे तो कॉमन फैक्टर इसका है एल अनकॉमन फैक्टर है फोर एल तो एल्सीयम बन गया आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली हमारे पास जो लीस्ट वैल्यू होती है लीस्ट वैल्यू मतलब जो सारे फैक्टर्स कॉमन अनकॉमन मिला के बनती है उसको हम एल्सीय कहते हैं तो फोर एल स्क्वायेर आएगा तो अब यहाँ पर देखें एल स्क्वायेर और एल और फोर एल स्क्वायेयर में जो अनकॉमन है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन एल इसमें से निकल गया तो बाकी रह गया फोर एल फोर एल एन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर एल बन गया फोर एल एन प्लस एम स्क्वायर इसको हमने सिंप्लीफाई किया हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया स्कोर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया प्लस माइनस इसके बाद इनका स्क्यर रूट अलग अलग कर दिया फोर का स्क्वायर रूट टू है एल का स्क्वायर रूट एल है ऊपर वाले का पॉसिबल नहीं है इस वैल्यू को इधर ले गए और एक डिनोमिनेटर में लिखा क्योंकि इसका दोनों का एलसीएम सेम है टू एल तो ये ऊपर वाली अमाउंट एज इट इज़ आ जाएगी सो दैट वन इज़ आवर सोल्यूशन सेट अब हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स इज इक्वल टू जीरो इसमें कांस्टेंट है ही नहीं उसकी जगह ज़ीरो है तो हमें कुछ भी दूसरी साइड पे नहीं लेके जाना पड़ेगा तो अब हम क्या करेंगे इसका थ्री फिनिश करने के लिए इसको सबको थ्री पे डिवाइड कर देंगे तो थ्री पे डिवाइड करने से ये फिनिश हो गया एक्स स्क्वायर रह गया सेवन ओवर थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो ओवर थ्री इज इक्वल टू जीरो सो दिस वन इज इक्वेशन नंबर वन मल्टीप्लाई कोफिशंट ऑफ एक्स दैट इज सेवन ओवर थ्री बाय वन बाय टू वी गेट वन बाई टू इंटू सेवन बाय थ्री इज इक्वल टू सेवन बाई सिक्स अब हमने इस इक्वेशन वन में दोनों साइड पे सेवन बाई सिक्स का स्केयर ऐड करना है तो ये दोनों को तरफ ऐड करके बन गया ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर प्लस ज़ीरो प्लस सेवन ओवर सिक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन सेवन आर फोर्टी नाइन एंड सिक्स 6 थर्टी सिक्स हेयर इट विल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर दोनों साइड पे स्केयर रूट लिया स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया और इस साइड पे प्लस माइनस फोर्टी नाइन ओवर थर्टी सिक्स आ गया और फोर्टी नाइन का स्केयर रूट है सेवन थर्टी सिक्स का स्केयर रूट है सिक्स तो अब हमारे पास एक बार ये वैल्यू पॉजिटिव होगी एक बार ये वैल्यू नेगेटिव होगी जब इस साइड पे इसको उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी दोनों कैंसिल हो जाएंगे आंसर आ जाएगा ज़ीरो इस साइड पर ये वैल्यू उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी वो था नेगेटिव सो दे विल बी एडेड विद द नेगेटिव साइन माइनस फोटीन ओवर सिक्स एंड इट विल बी कट ऑफ by 2 two. 7 twos are 14 and 3 twos are 6 where negative is there so solution set is 0 minus 7 by 3 नेक्स्ट पार्ट देखिए क्वाइट इजी है इंटरेस्टिंग भी है यहाँ पर एक्स स्क्ट का कोफिशेंट ऑलरेडी वन है तो इसके पहले दो स्टेप यहाँ पे सॉल्व है अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें हमें पहले स्टेप पे काम करना पड़ा हो अभी तक सारे के सारे फर्स्ट आ, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले गए क्वेन नंबर वन बन गई गर्ल्स अब हमने क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स को वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस टू तो ये बन जाएगा वन बाई टू 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 से कैंसिल माइनस वन यानी माइनस वन का स्क्वायर होल दोनों साइड पर हमने एड करना है तो ये बन गया एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और ये बन गया वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव वन बन गया वन नाइन्टी सिक्स लेकिन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और प्लस माइनस 196 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस 14 आ गया एक बार हम प्लस फोर्टीन के साथ इसको सॉल्व करेंगे और एक बार हम इसको माइनस uh, फोर्टीन के साथ सॉल्व करेंगे तो ये प्लस इधर आके बन गया फिफ़टीन और ये प्लस इधर आके बन गया माइनस थर्टीन सो सोलूशन सेट इज़ फिफ्टीन माइनस थर्टी सेवन पार्ट देखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन ओवर टू इज इक्वल टू सेवन बाई टू एक्स तो यहाँ पर हमने क्या करना है इसको पहले एक सिंपल फॉर्म में लेके जाना है गर्ल्स मैं यहाँ पर एक और काम कर रही हूँ बजाय इसके कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ कॉन्स्टेंट को लेके कर जाऊँ कॉन्स्टेंट को अलग ही रखना है तो हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट को छोड़ देते हैं लेकिन फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए तो हम इसको उस साइड पे ले जाते हैं अब मैंने लेफ्ट को लेफ्ट और राइट right को राइट right कर दिया तो आपको पता कि तब कोई भी साइन चेंज नहीं होता अगर हम पूरी की पूरी वैल्यूज़ को दाएं बाएं कर दें तो अब हमने क्या करना है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कोफिशेंट ऑफ एक्स उसको वन बाय टू से मल्टीप्लाई करना है तो इसका कोफ़िशेंट है सेवन बाय टू तो ये वन बाय टू से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा सेवन बाय फोर अब सेवन बाय फोर का होल स्क्वायर हमने दोनों साइड पे इक्वेशन वन के ऐड करना है तो ये बन गया एक्स प्लस सेवन बाय फोर होल स्क्वायर इस साइड पे सेवन बाय होल स्क्वायर का फोर uh, का होल स्क्वायर लिया तो फोर्टी नाइन सिक्सटीन आ गया एलसीएम लिया गर्ल्स हमने तो आपको पता है कॉमन फैक्टर इन टू अनकॉमन फैक्टर तो सिक्सटीन टू uh, का कॉमन फैक्टर भी है टू uh, सिक्सटीन का कॉमन फैक्टर भी है सो एलसीएम एज सिक्सटीन और टू uh, और सिक्सटीन में टू एट जार सिक्सटीन होता है तो जो अन नोन है या अनकॉमन है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है तो एट मल्टीप्लाई हो गया फिफ्टीन से इट विल बी वन ट्वेंटी तो ये बन गया वन सिक्सटी नाइन वन सिक्सटी नाइन का आपने स्केयर रूट जब दोनों साइड पे लिया तो ये इसके स्केयर रूट से कैंसिल हो गया सिक्सटीन का स्केयर रूट होता है फोर जबकि वन सिक्सटी नाइन का थर्टीन एक बार थर्टीन बाई फोर को प्लस किया एक बार माइनस किया इधर आगे नेगेटिव हुआ था चूँकि LCM सेम है तो थर्टीन में से सेवन गए सिक्स बाई फोर देट इज़ थ्री बाई टू अगेन माइनस थर्टीन माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी फोर फाइव जै ट्वेंटी माइनस फाइव सो आंसर इज थ्री बाई टू एंड माइनस फाइव आठ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री का यहाँ पर भी वैल्यू हमें कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोफिशेंट वन है क्वालिटिक डिग्री का तो अब हम क्या करेंगे इसको उस साइड पे कांस्टेंट को ले जाएंगे इट विल बी नेगेटिव तो मल्टीप्लाई और कोफिशेंट ऑफ एक्स बाय वन बाई टू वी गेट सेवेंटीन बाई टू सो एडिंग सेवनटीन ओवर टू होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन इट विल बी एक्स प्लस सेवनटीन बाई टू होल स्क्वायर माइनस थर्टी थ्री बाय फोर इधर सेवनटीन का स्क्वायर टू एटी नाइन टू का स्क्वायर फोर है तो ये एलसीएम आ गया हमारे पास बचा टू फिफ्टी सिक्स स्क्वायर रूट लिया हमने दोनों साइड पे स्के रूट से कट गया टू फिफ्टी सिक्स इज द स्क्वायर रूट ऑफ ऑफी फोर इज द स्क्वायर रूट ऑफ टू ठीक है यहाँ मैं इसको काट सकती हूँ लेकिन मैं नहीं काट रही क्यों क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होने की uh, वजह से आगे आसानी हो जाएगी एक दफ़ा प्लस प्लसटीन बाई टू लिया एक दफ़ा माइनस सिक्सटीन बाई टू लिया माइनस सेवनटीन बाई टू इधर आके नेगेटिव हो गया और um, दोनों साइड में एक जगह प्लस कर दिया एक जगह माइनस प्लस किया तो माइनस वन बाई टू माइनस किया तो माइनस थर्टी थ्री थ्री बाई टू सो सेट इज़ देयर नाउ इट्स द टर्न ऑफ नाइन्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज वन पॉइंट वन लुक हेयर फोर माइनस एट ओवर थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर ओवर थ्री एक्स प्लस वन तो फर्स्टली वी नीड टू फाइंड द्वारिटी टू जीरो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इसको जो डिनोमिनेटर है थ्री एक्स प्लस वन इसको मल्टीप्लाई करना है ये एक्सरसाइज वन का जिसमें सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है थ्री एक्स प्लस वन से सारी वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फोर को मल्टीप्लाई किया फोर थ्री एक्स प्लस वन फिर एट ओवर थ्री एक्स वन को मल्टीप्लाई किया थ्री एक्स प्लस वन से अगेन हमने राइट right साइड पे भी इसको थ्री एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया थ्री एक्स प्लस वन थ्री एक्स प्लस वन से कैंसिल यहाँ भी ये इससे कैंसिल हो गया अब ये हमारे पास जो सिंपल अमाउंट बची है वो है फोर इंटू थ्री एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्म तो right तो uh, बनाने के लिए चूंकि एक्स केयर को पॉजिटिव रखना है तो उसी साइड पे रख रहे हैं और कॉन्स्टेंट को मैं इस साइड पे लेके आ रही हूँ तो फाइव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा माइनस फोर माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस नाइन वेयर दैट वन इज़ थ्री एक्स स्केयर प्लस ये ट्वेल्व एक्स इधर जाके माइनस हो गया अब लेफ़्ट को राइट right और राइट right को लेफ्ट कर दें तो क्वेश्चन की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसलिए हमने माइनस नाइन को इस साइड पे ले लिया और इस वाली वैल्यू को इस साइड पे अब हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाता है जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद कॉन्स्टेंट कोई साइड पे करने के बाद हमने जो एक्स स्क्र का कोफिशेंट है उससे सबको डिवाइड करना है दैट इज थ्री तो हम थ्री से तीनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे यहाँ थ्री थ्री से कैंसल हो गया थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व आ गया और थ्री थ्री ज़ार नाइन आ गया एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री ये हमारे पास इक्विया नंबर टू आ गई है ठीक है अब हम कम्प्लीटिंग स्क्वायर का नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो क्या करना है अब हमें कि हमें इसके कोफिशियंट को किसके कोफिशेंट को हमें ये जो सेकेंड वैल्यू है माइनस फोर एक्स इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस फोर इंटू वन बाय टू इज इक्वल टू माइनस टू क्योंकि टू कैंसिल हो जाएगा फोर से अब इससे नेक्स्ट स्टेप है कि माइनस टू होल स्केयर दोनों साइड पे नंबर टू के दोनों साइड पे ऐड करना है तो ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर सेम दोनों साइड पे ऐड करने के बाद ये बन गया ए माइनस बी होल स्केयर इस साइड पे माइनस थ्री प्लस फोर जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कैसे क्वाइट ईजी स्टेप्स हैं फोर में से थ्री गए वन आ गया एक्स माइनस टू होल स्केयर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यहाँ पर स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल ये टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस वन और एक बार प्लस माइनस वन वन का स्केयर रूट वन होता है एक बार प्लस वन लेंगे एक बार माइनस वन लेंगे प्लस वन में ये माइनस टू इस, इस जगह पे जाके प्लस हो, प्लस टू हो जाएगा सेम एयर तो ये आ जाएगा थ्री ये आ जाएगा वन बाय तो वन, बा, वन एंड थ्री सेवन इंटू एक्स प्लस टू ए होल स्केयर प्लस थ्री ए स्क्र इज इक्वल टू फाइव ए इंटू सेवन एक्स प्लस ट्वेंटी थ्री ए तो इसको भी हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे ओपन करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाडिटी बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक्स प्लस टू ए होल स्क्वायर है ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए प्लस टू ए बी प्लस बी तो ये बन गया square, square, और ये टू ए बी ए का होल स्केयर बन गया फोर ए स्केयर टू टू जार फोर ए एक्स और ये इसकी फॉर्म बन गई अब हमने सेवन से मल्टीप्लाई करना है तो ये 7X प्लस सेवन फोर ट्वेंटी ए स्केयर अब दूसरी साइड पे आ जाएं थ्री ए स्केयर इससे पहले मैं राइट साइड ओपन करूंगी फाइव से एक्स एंड ट्वेंटी ये थ्री स्केयर उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा तो वन फिफ्टीन ए स्केयर बच जाएगा माइनस ये वन ट्वेल्व ए स्केयर और ये ट्वेंटी ए स्केयर भी इधर जाके नेगेटिव हो गया जबकि इस थर्टी फाइव ए एक्स को हम इस साइड पे ले आए तो ये भी नेगेटिव हो गया अब हमारे पास ट्वेंटी एट ए एक्स में से थर्टी फाइव गए तो बच गया माइनस सेवन ए एक्स इस साइड पर इन दोनों को सॉल्व करके ये आ गया एटी फोर ए स्केयर अब ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसमें हम कांस्टेंट को पहले ही दूसरी साइड पे रख चुके हैं तो हमारे पास एक्स स्क्र का कोफिशिएंट है नो सेवन तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सेवन वी गेट सेवन सेवन से कट गया ये भी सेवन सेवन से कट गया ये भी सेवन ट्वेल्व सेवन जार एटी फोर होता है तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्र माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व ए स्केयर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फॉर्म बन गई है नेक्स्ट फेज़ है कोफिशंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस ए मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू वन ओवर टू माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए ओवर टू अब माइनस ए ओवर टू का स्केयर अब हम दोनों साइड पे इक्वेशन वन के ऐड करेंगे इसकी दोनों साइड पे ए माइनस दोनों साइड पे ऐड करके ये बन जाएगा ए माइनस बी होल स्केयर वेयर ए स्केयर ओवर टू स्केयर इज फोर नेगेटिव अबॉलिश हो जाएगा

तो हमारे पास लेफ्ट साइड एक बार प्लस सेवन ए बाय टू होगी और एक बार माइनस सेवन ए बाय टू होगी नाउ माइनस ए बाय टू विल बी पॉजिटिव ऑन दी अदर टू साइड बोथ केसेस इट विल बी सेवन प्लस वन एट ए बाई टू यू कैन टेक लाइक दिस वन टू सो हेयर माइनस थ्री ए ओवर टू मीन्स फोर ए इज इक्वल टू माइनस थ्री है ये दो हमारे पास फॉर्म्स आ गई दोनों कट ऑफ होने के बाद तो सोल्यूशन सेट आ गया माइनस थ्री ए एंड फोर ए सो क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज वन इज कम्प्लीटेड नाउ